नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीबीआर स्टडी। आज की इस नई क्लास में हम लोग बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में जो कि हमारे स्टूडेंट मित्रों ने पूछा हुआ है और उन लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ इन सवालों को भेजा हुआ है। बहुत दूर दूर से बिलोंग करते हैं, जैसे कि सुजाल ने पूछा हुआ है जो कि ये आपके माया नगरी मुंबई से बिलोंग करते हैं और समय और कार्य पर ही आधारित। इसी तरह का सवाल पूछा है उधम सिंह नगर से, यानी कि उत्तराखंड से आपके रवीश जी ने, और उत्तराखंड के ही पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं सुधाकर जी, इन्होंने भी समय और कार्य पर आधारित ही सवाल पूछा था। तो ज़्यादा नाम न बताते हुए बहुत से लोगों के इस तरह के सवाल आए हैं, इसलिए हमने इसको शामिल किया आज इस क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। इनका नाम है कल्पना, ये सिकेर राजस्थान की रहने वाली है, इन्होंने भी इसी तरह के सवाल किए थे। तो ये थे टॉप में तीन चार नाम जो कि हमने आपको बता दिए, और आप लोगों का सवाल देखिए क्या है। ठीक है, नाम से कोई विशेष मतलब नहीं होता भाई, आप लोग मतलब समझिए क्वेश्चन में है क्या। जैसे आपने देखा होगा, पहले सवाल देखते हैं फिर बताते हैं। किसी खेत की निराई करने में 5 मजदूर को 12 दिन लगते हैं तो 6 मजदूर को कितने दिन लगेंगे, और 15 मजदूर अगर हो जाए तो कितने दिन लगेंगे। सिंपल सी बात है, अगर आपके घर भाई बन रहा है, ठीक है, या फिर आपके खेत में काम हो रहा है। अब अगर आपके खेत में काम हो रहा है और आपने एक दिन काम पे जो है 5 मजदूर लगाया, ठीक है, उन लोगों ने एक खेत की गुड़ाई जुताई कर दिया, अगले दिन आपने उससे बड़े खेत में या फिर उतने बराबर खेत में 5 की जगह 2 लोगों को लगाया तो ज्यादा टाइम लगेगा ना। कोई भी काम है अगर ज्यादा लोग मिलके करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, अगर कम लोग करेंगे तो देर लगेगा, है ना, समझ रहे ना। तो उसी तरह से इसमें भी होता है भाई, कोई भी काम अगर मान लेते हैं आपको खाना ही है, समझ लीजिए कि चॉकलेट खाना है, ठीक है, अब आपके पास 10 चॉकलेट है, अब आप अकेले खाना शुरू करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, ज्यादा लगेगा ना। अगर उसी में आपके 4 फ्रेंड भी आ गए तो मिलकर के 5 लोग हो गए, आप फट से खा जाएंगे ना। तो बस वैसे है। देखिए, कह रहा किसी खेत की निराई करने में 5 मजदूर को 12 दिन लगते हैं तो 6 मजदूरों को कितने दिन लगेंगे। सिंपल सी बात है, अगर 5 मजदूर है 12 दिन लग रहा है तो 6 मजदूर हो जाएंगे तो कुछ समय जरूर कम लगेगा, क्योंकि वो भी तो कुछ काम करेगा ना। देखिए, टाइम चाहे जितना लग जाए, सवाल आपको समझ में आ जाए, बस हमारा यही उद्देश्य होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सभी आपके ऑप्शन है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम इसको लगाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम मान लेंगे, माना 6 मजदूरों को समय लगेगा बराबर कितना, समय लगेगा बराबर एक्स दिन, ठीक है, कितना एक्स दिन। इसे आप और भी तरह से लिख सकते हैं, माना 6 मजदूरों को खेत की निराई करने में लगेगा समय बराबर कितना, एक्स दिन लगेगा। तो चूंकि दिया है कि खेत की निराई करने में 5 मजदूरों को कितने दिन लगते हैं, 12 दिन लगते हैं, नीचे लिख लीजिए, और दिया है, क्या दिया है, 5 मजदूरों को खेत की निराई में लगा समय कितना दिन, लगा समय कितना दिन लग रहा है, 12 दिन। देखिए, दिया है 5 मजदूरों को कितना दिन दिया है, 12 दिन दिया है। अब आपको एक काम करना है, प्रश्नानुसार लिख करके और सिंपल में ये 6 मजदूरों को कितना दिन लग रहा है, एक्स दिन हमने माना है, इसे आप 6 गुणा x कर लेंगे और 5 मजदूरों को 12 दिन लगता है ना, तो आप इसे कर लेंगे 5 गुणे 12, बस हो गया, ये 6x = 60, तो x बराबर 60 बटा कितना 6, 6 से काट दो कितना आ गया 10, यानी कि कितना दिन लगेगा। अब इसे आप लिख सकते हैं, आप 6 मजदूरों को खेत की निराई करने में कितना दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा, लिख लीजिए आप 10 दिन लगेगा, इसे अच्छे से लिख लीजिएगा, जैसे मैंने बताया कि 6 मजदूरों को खेत की निराई करने में 10 दिन लगेगा, समझ गए ना। इसी तरह से आपको जो 15 दिन बोला गया है, 15 मजदूर हो जाएंगे तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। आगे देखिए,
इसी सवाल में एक सवाल और भी है कि 15 मजदूरों को कितना दिन लगेंगे। सिंपल सी बात है, अगर 5 मजदूर काम कर रहा था तो 12 दिन लग रहे थे। अगर 5 की जगह आप 15 मजदूर कर देंगे, देखिए 5 तियाई 15 हो रहा है ना, मतलब मजदूर 3 गुना बढ़ रहे हैं, तो समय जो है वो क्या होगा, 3 गुना कम हो जाएगा बाबू, मतलब उसका 3 भाग कम हो जाएगा। जो 12 दिन लगता था ना, ये क्या होगा, इसे 3 से भाग दे दीजिए, 3 × 12 ना 4 दिन आएगा। सिंपल सी बात है, अगर 5 मजदूर 12 दिन में कर रहा है तो 15 मजदूर से 4 ही दिन में पूरा कर देगा। कैसे, देखिए माना 15 मजदूरों को खेत की निराई करने में x दिन लगेंगे, क्योंकि दिया है 5 मजदूरों को निराई करने में 12 दिन लग रहे हैं। प्रश्नानुसार क्या करेंगे, वैसे ही 15 का गुणा x में और 12 का गुणा 5 में, है ना। तो ये हो जाएगा x बराबर 60/15 और ये कट गया, बराबर आ गया 4, इसलिए x बराबर कितना आ गया, 4 दिन। समझ गए ना, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप नहीं संकोच पूछ सकते हैं, इसमें आप और भी सवाल बना सकते हैं अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप नहीं संकोच पूछ सकते हैं जी, बिल्कुल। देखिए सिंपल में आपको करना क्या है, कोई भी सवाल इस तरह का हो, अगर कि 5 मजदूर को काम करने में 28 दिन लगते हैं तो 12 मजदूर को कितना दिन लगेंगे, 16 मजदूर को 18 दिन लगते हैं तो 28 मजदूर को कितना दिन लगेंगे, आप सबसे पहले मानेंगे माना x दिन लगेंगे, ठीक है। x का गुणा आप इसमें करेंगे, x का गुणा आप उसमें करेंगे जो कि आपको यहाँ पे दिया रहेगा कि इतना मजदूर को कितना दिन लगेंगे, जैसे यहाँ पे है ना 6 मजदूर को कितना दिन लगेंगे, तो आपने 6 का गुणा इसमें कर लिया, ठीक है। और आपको ऊपर दिया होगा ऑलरेडी कि कुछ मजदूरों को काम करने में कुछ दिन लगते हैं, जैसे इसमें 5 और 12 दिया है, तो आप 12 और 5 का गुणा कर लिए और 6 का गुणा किसमें किए, जो हमने x या y माना था। क्लियर हो गया ना, कोई कंफ्यूजन तो कमेंट करिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही, इस तरह से आप जिन जिन लोगों ने इससे संबंधित सवाल पूछा था सभी की समस्या दूर हो गई होगी। थैंक यू, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सवालों को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया बाबू, नहीं तो आप लोग लिख लें 97938484848. थैंक यू।